नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है क्लास टेंथ गणित का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा गणित में पिछले वर्षों में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको गणित में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप, पाई रेडियन बराबर होता है। पाई रेडियन बराबर होता है, पाई का मान त्रिकोणमिति में बहुत क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 100 डिग्री, ऑप्शन डी 270 डिग्री। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइए। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी अगर सोचे थे तो बिल्कुल सही है। यह त्रिकोणमिति में आपको इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे साइन दे देगा पाई बटे यहाँ पर 3 दे देगा, तो इस तरह से आपका 2 नंबर से प्रश्न और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो पाई का मान होता है 180 डिग्री त्रिकोणमिति में, याद रखिएगा पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है दिए गए आंकड़े 1.0.5 का माध्य है। तो माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो कुल आंकड़ा ऊपर में जितना दिया गया है उन सभी को जोड़ देंगे, 1+0+5, यानी कि आंकड़ों का कुल योग बटे कुल संख्या। तो क्या संख्या है, 1, 2, 3, तो 3 संख्या नीचे लिख देंगे। अब जोड़ दीजिए, 0+5 तो 5 ही होगा, 5+1 6, यानी कि 6/3 आपका 3 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 3×2=6, तो आपका माध्य हो गया 2। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, 2 इसका माध्य होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी अनेक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक वृत्त ले रहे हैं, यह एक वृत्त ले लिए और अब इस पर देखते हैं कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये रहा एक स्पर्श रेखा, खींच दिया इस तरह से, और फिर इधर से भी एक स्पर्श रेखा खींच दिए, फिर इधर से भी एक स्पर्श रेखा खींच दिए, थोड़ा अंदर चल गया लेकिन स्पर्श रेखा है समझिएगा, जैसे लिखे उधर किए हैं ये भी हो गया, फिर इधर से भी कर सकते हैं, यानी कि अनंत होगा, बहुत सारा खींच सकते हैं, ऐसे तनक अनेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, अनेक रेखा खींची जा सकती है। अगर यहीं पर क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग कर देता कि किसी वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो उसमें होगा सिर्फ 2, एक बिंदु से। जैसे देखिए, एक बिंदु यहाँ से है तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अगर इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ रहता, यानी किसी वृत्त पर एक बिंदु से
कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तब इस प्रश्न का उत्तर होगा दो। देखिए, एक बिंदु, जैसे कि यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इस बिंदु से, यह एक बिंदु है, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो याद रखिए, दो ही खींचा जाएगा स्पर्श रेखा, एक इधर से हो गया और एक इधर से हो जाएगा। तो एक बिंदु से पूछेगा तो दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अगर पूछ दिया जाए डायरेक्ट कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनेक अनेक खींची जा सकती है। और अगर यहाँ पर लिख देगा कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो दो, जैसे कि यहाँ एक बिंदु से दो रेखा स्पर्श खींच लिए हैं। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे समझ गए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका अनेक, और एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो, और डायरेक्ट पूछे किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाए, तो अनंत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो रूट थ्री परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि यह रूट के अंदर है, और फिर सी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी चार तो परिमेय संख्या है, लेकिन जब परिमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, भाग लगे, गुना हो, तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाता है। जैसे चार प्लस रूट फाइव, तो रूट फाइव क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो इसको अपरिमेय संख्या ही कर देगा। जैसे तीन माइनस रूट सात, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या इसके साथ जुट रहा है। तो याद रखिएगा, किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुटे, घटे, भाग लगे या गुना हो, तो उसे अपरिमेय संख्या ही कर देता है। तो आप यहाँ पर देखें कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, और ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये रूट टू और ये रूट टू कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आपका दो। तो दो तो न्याय कुछ तो नीचे एक छुपा रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, ये जो है कि परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। टू रूट टू बटे रूट टू, ये रूट टू रूट टू कट जाएगा, बच जाएगा दो, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बहुत ही अच्छा, तो प्रश्न देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका जो है कि कर्ण हुआ, ये आपका लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया, यानी कि ये P हो गया, ये H हो गया, और ये आपका B हो गया। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, और यहाँ पे थीटा रख रहे हैं, जो कि सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार होगा। तो इसमें कहा है कि कर्ण ये वाला है, कर्ण ये वाला है, तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो इसका सिद्धांत दिया था पाइथागोरस प्रमेय ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक घात वाले बहुपद कहलाता है, एक घात वाले बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है?
रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, रैखिक बहुपद। अगला प्रश्न है इसी में, त्रिघात बहुपद का व्याकाप रूप है। तो त्रिघात बहुपद का व्याकाप रूप है। देखिए, अगर जिस प्रश्न में शुरू में जो इस मतलब पावर रहेगा तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक। जितना भी घात रहेगा उतना कहा जाता है, लेकिन उसमें उतना पद भी रहना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, त्रिघात बहुपद का व्याकाप रूप है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि भारी है, लेकिन बिल्कुल यह प्रश्न भारी नहीं है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए जिसका कि आपको डिग्री का मान याद नहीं है और इस तरह से प्रश्न बना हो, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 38 प्लस 52 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। जब इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाता है, समझिए उसका मान कितना होता है, एक मान होता है। और आपको दो पहले से है तो ये गुना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, तब दो हो जाएगा, दो। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल सही है, दो होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है, तो एक ऑप्शन नंबर ए सही है, एक होता है। किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को कहते हैं, किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को कहते हैं। देखिए एपी क्या होता है, एपी जैसे कि एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, ऐसे डॉट 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 चलते रहिए। तो इसके बीच में जो अंतर है, एक का अंतर है, इसके बीच में भी एक का अंतर है, इसके बीच में भी एक का अंतर है, इसके बीच में भी एक का अंतर है, ऐसे ऐसे जाते रहेगा। तो यह एक एपी है। अगर समान अंतर एक दूसरे के बीच में आ रहा है तो समझिए एपी है। जैसे और कुछ ले लेते हैं, जैसे कि दो चार छः आठ दस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, दो का अंतर है, इसके बीच में भी दो का अंतर है, इसके बीच में भी दो का अंतर है, इसके बीच में भी दो का अंतर है। तो इसको एपी में कहा जाता है सार्व अंतर या पद्मांतर, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों। अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ सार्व अंतर रहेगा तो सार्व अंतर लगाइएगा, अगर पद्मांतर होगा तो यह भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी सार्वांगसम आकृतियां होती है, सभी सार्वांगसम आकृतियां होती है समरूप। ऑप्शन नंबर सी सही है, समरूप होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रूट थ्री बटे रूट बारह एक संख्या है, तो यह हो जाएगा परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि रूट थ्री बटे रूट बारह है तो ये कट जाएगा चार बार में, तीन चौके बारह, यानी रूट अंडर जो होगा चार होगा। जब रूट अंडर चार होगा तो दो बाहर हो जाएगा, यानी कि एक बटे दो होगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये कट जाएगा चार बार में तो रूट अंडर चार आएगा, जब रूट अंडर चार आएगा तो दो बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रैखिक समीकरण का आलेख होता है, रैखिक समीकरण का आलेख होता है सरल रेखाओं में। ऑप्शन नंबर बी सही है, सरल रेखाओं में होता है। अगला प्रश्न देखिए,
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही है, पाई आर स्क्वायर होगा।